भिवंडी शहर व ग्रामीण भागों में 5 दिवसीय गणपति बप्पा का हुआ विसर्जन। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस बल भारी संख्या में जगह जगह मौजूद थे। तो वहीं भिवंडी नदी नाके पर शिलार ग्राम पंचायत सरपंच व RPI सेक्युलर के महाराष्ट्र राज्य सरचिटनेस एडवोकेट किरण जी चन्ने के नेतृत्व में विसर्जन में आने वाले गणेश भक्तों के लिए शेलार ग्राम पंचायत व भिवंडी महानगर पालिका द्वारा विभिन्न सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया था। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए शेलार ग्राम पंचायत सरपंच व RPI सेक्युलर महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस एडवोकेट किरण जी चन्ने ने बताया कि साल की तरह सभी को मैं गणेश त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ग्राम पंचायत की ओर से हमेशा की तरह पानी की व्यवस्था, स्टेज और जो सारी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें यहाँ पूरी करने की कोशिश की गई है। पुलिस और हम और महानगर पालिका प्रशासन तीनों मिलकर सब गणपति विसर्जन करने का आया, सभी भाविकों को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो इसलिए पूरी तरह से हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और जो जो आवश्यकता है वो पूरी तरह से यहाँ की गई है। किसी भी तरह का किसी को मतलब तकलीफ हो इस तरह का कोई माहौल नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पुलिस सतर्क है, हमारे ग्राम पंचायत के कर्मचारी सतर्क है और कुछ समाज सेवी घटक भी जो है मदद कर रहे हैं, तो सब लोग सतर्क है, ऐसा कोई भी वाकया नहीं होगा और होगा तो पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाएगा। सब लोग यहाँ आए विसर्जन के लिए आए और जो पुलिस जो नियम बताती है, जो हम व्यवस्था करते हैं, सब लोग अगर सहकार्य करेंगे तो एक अच्छा गणपति का विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ हो सकता है। तो हम मेरी सबसे अपील है कि जो जो उनको सूचनाएं दी जा रही पुलिस के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा उसका पालन करें और वो सहयोग करें।